अहले इल्म ने इस माने में बीमारी को एक नेमत करार दिया है कि एक आदमी जब तक अल्लाह की तरफ से उसको झटका नहीं लगता, वो ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोज़ा रख रहा है, ना सच बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बिल्कुल अल्लाह से गाफिल है, अचानक अल्लाह ताला ने एक झटका दिया उसको, ये झटका आते ही वो उसकी लाइफ चेंज हो गई, अब वो नमाज पढ़ने लगा, रोज़ा रखने लगा, अल्लाह की इबादत करने लगा, तो ये उसके हक में बहुत बड़ी नेमत है। जिस शख्स की बीमारी उसकी दुनिया बदल दे, उसे अल्लाह की तरफ ले आए, उसके हक में बहुत बड़ी नेमत है, इससे बेहतर नेमत क्या हो सकती है। कि एक आदमी जो अल्लाह से दूर था, बीमारी ने उसे अल्लाह ताला से करीब कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी के मुकद्दर में बड़ा मकाम रख देता है, वो नहीं पहुँच पाता है, तो अल्लाह ताला ये मुसीबतें नाजिल करता है उसके ऊपर, उसके जिस्म में या उसके माल में या उसके औलाद में, थुम्मा सब्बरहू अला ज़ालिक, फिर वो उस पर सब्र करता है, हत्ता युबल्लिगहू, अल्लाह ताला उसको सब्र की तौफीक देता है, फिर अल्लाह ताला उसे पहुँचा देता है अलमंजिला अल्लती सबकत लहू मिनल्लाह ताला, जिसका फैसला अल्लाह की तरफ से पहले हो चुका है, अल्लाह ताला उस मंजिल तक उसको पहुँचा देता है। तो आप देखें कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा फ़ायदा है मुसीबत का, कि हम आम आदमी इसको महसूस ही नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उसे ज़बरदस्ती उस मकाम तक ले जाना चाहता है। यानी बंदा सुस्त है इबादत में, बड़ा कोताह है, तो अल्लाह ताला उसकी रिकवरी कर रहा है दूसरे तरीके से। तो देखने वाले को लगेगा किसके साथ कोई बुरा हो रहा है, हालांकि अल्लाह ताला उसके साथ बहुत अच्छा कर रहा है, उसे उसके मकाम तक ले जा रहा है।